अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल हरियत से होंगे। आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा कि जब आप HBL का कार्ड रिसीव कर लेंगे तो HBL का कार्ड रिसीव करने के बाद HBL की मोबाइल एप्लीकेशन से आप उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे। अगर आपने ब्रांच से जाके अकाउंट ओपन करवाया है या फिर आपने ऑनलाइन करवाया है या आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, वहां से आपने अकाउंट ओपन करवाया है और वहां पे आपको ये कार्ड रिसीव हो चुका है, तो वहाँ पर रहते हुए ही आप किस तरीके से अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। नॉर्मली तो इसके दो तीन तरीके होते हैं। आप ATM मशीन पर भी जाके कर सकते हैं, आप हेल्पलाइन पे कॉल करके भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप HBL की एप्लीकेशन से इसको एक्टिवेट करें। HBL की एप्लीकेशन से किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे, तो हम यहाँ से इस मोबाइल को ओपन करते हैं। मोबाइल को ओपन करके यानी कि जो HBL की एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपने HBL की एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में तीन लाइनें नज़र आएंगी, तो उन तीन लाइनों के ऊपर आपने टच करना है। यहाँ पे ये तीन लाइनें हैं, इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको तीसरे चौथे नंबर पे लिखा हुआ मिलेगा कार्ड मैनेजमेंट। तो कार्ड मैनेजमेंट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। कार्ड मैनेजमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक का मतलब आप उसको टच करेंगे, जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ से ये आपका कार्ड आ जाएगा और यहाँ पे नीचे देखें आपका जो स्टेटस है वो लिखा हुआ आएगा इनएक्टिव। तो अब इस कार्ड को हमने एक्टिवेट करना है, उसके लिए लिखा हुआ है एक्टिव कार्ड, तो एक्टिव कार्ड के ऊपर आपने क्लिक करनी है। जैसे ही आप एक्टिव कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे वो कह रहा है एक्सपायरी ऑफ कार्ड, यानी कि आपका जो कार्ड है ATM कार्ड वो कब एक्सपायर हो रहा है। तो जब भी आपका ATM कार्ड एक्सपायर हो रहा है, वो तारीख आपने यहाँ पर सबसे ऊपर लिखनी है। कैसे लिखनी है? आपने सबसे पहले महीना लिखना है 06 या जो भी आपका महीना होगा। उसके बाद आपने साल का जो लास्ट वाले दो डिजिट है यानी कि 26, 27, 25, 2025, 2026 वो आपने लिखना है। उसके बाद नीचे वो बोलेगा एंटर न्यू पिन, तो आप अपनी मर्जी से जो भी पिन बनाना चाहते हैं यानी कि जो आप चाहते हैं कि कार्ड का पिन हो जो ATM मशीन पर जाके आप यूज़ करेंगे, आपने वो लिखना है। एक बार लिखने के बाद दोबारा से रीटाइप आपने वही करना है, यानी दो बार आपने वही लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, दो बार रिपीट करके, एक बार लिख के दोबारा से वही लिख के, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल या फिर आपके जो ईमेल है, उस पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो वन टाइम पासवर्ड आने के बाद वो देखें, वो कह रहे हैं डियर कस्टमर यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेट योर डेबिट कार्ड। बिल्कुल इतना आसान सा तरीका है, दो मिनट के अंदर अंदर आप इस एप्लीकेशन से अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका कार्ड एक्टिवेट हो चुका है, अब आप इसको आसानी के साथ जहां भी इस्तेमाल करना चाहें, ATM मशीन पे, ऑनलाइन वगैरह आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।